हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक है? अच्छा, शुक्र है, काम ठीक है, माशाल्लाह। जीशान, वो सैफ कहाँ है? सैफ सर तो सुबह ही ऑफिस से चले गए थे, अच्छा, और इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि रात से सोए भी यहीं पर रहे थे। ओ अच्छा, ठीक है, तुम जाओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आना हुआ? मैं चची जान और मारिया से माफी मांगने आया हूं। बैठो। चची जान, आप दोनों हक पर थे और मैं गलत था। इसी गलती की माफी मांगने आया हूं मैं। बाप बेटा, ये हम आज मुजरिम से इंसान कैसे बन गए? क्या फरिश्तों ने हमारी गवाही दी है या तुम्हारी आंखें खुल गई? माजदा ने सब कुछ सच बता दिया और इसके बाद सारी कड़ियां जुड़ गईं। सबीना, मारिया और मैं बोलती रही, लेकिन एहसान और तुमने हम पे भरोसा ही नहीं किया। माजदा ज्यादा मुतबर निकली क्या? पप्पो, मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक नहीं, पर मैं वाकई सच को नहीं परख सका। अपने लोगों को सच्चा और अच्छा समझता रहा। चीज मेरी इस गलती पर मुझे माफ कर दे। छोटा सा कांटा भी पैर में चुभता है ना, तो इंसान को हिला देता है। वो जरा सी चुभन भी कितने दिन तक अजियत देती है, और ये घाव तो रूह पर लगा था। तुम क्या जानो हमारी अजियत के बारे में? तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम ये सब जानकर किस कर्ब से गुजर रहे हो। सोचो इन दोनों पे क्या बीती होगी। इस सियासत में मैंने अपने ताया अबू को खो दिया, जिन्हें मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती थी। वो मेरी आंखों के सामने अजनबी हो गए। मैं अपनी मां से बदगुमान हो गई। चंद पुरानी तस्वीरों ने मेरी मां के किरदार पर सवालिया निशान उठाए। सबने उन्हें शोहर से बेवफाई करने वाली औरत समझा। तो तुम्हारी ये माफी हमारी तकलीफ के आगे बेमानी है। मारिया, मैं जानता हूं कि जो हुआ मैं उसे बदल नहीं सकता, लेकिन तलाफी तो कर सकता हूं ना। चची जान को मैं घर ले जाने आया हूं, और
इनका हक इन्हें दिलाऊंगा मैं। जुर्म की तलाफी से पहले माफी और एतराफ करना जरूरी है। अब तुम्हें माफी सिर्फ तभी मिलेगी जब तुम मेरी अम्मी के लिए वैसी अदालत लगाओगे जैसी उमायमा और ताई अम्मी ने लगाई थी। वो अम्मी से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगी और फिर मिलेगी तुम्हें माफी।